नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्यम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पौराणिक युग में ऋषि मुनियों के पास दिव्य शक्तियां होती थी, जिसके दम पर वो नामुमकिन कामों को चुटकियों में कर देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कि इस कलयुग में भी एक शख्स है जो दावा करता है कि उसके पास एक दिव्य शक्ति है, जो केवल स्पर्श करके, एक बार और गौर से सुन लीजिए, केवल स्पर्श करके बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देता है। मतलब वो अपने हाथ से मरीज को छुएगा और उसकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। हमें पता है कि ये दावा एक सेकंड भी यकीन के लायक नहीं है। हमने भी इसे पाखंड माना और सिरे से खारिज कर दिया। फिर हमसे कहा गया कि एक बार आप आश्रम आइए और बस ये देख लीजिए कि यहाँ क्या होता है। तो हम पहुंच गए, फिर वहां क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। कोई दर्द से कराह रहा था, कोई जख्मों को सहला रहा था, कोई चलने से लाचार था, तो कोई सहारे को मोहताज था। सबको इंतजार था एक शख्स का, वो आएगा, मरीज को स्पर्श करेगा और सब चंगे हो जाएंगे। हर दर्द छूमंतर हो जाएगा, बोलने से लाचार गाने लगेगा, कान से दिव्यांग सुनने लगेगा, और जो आज तक व्हीलचेयर से खड़ा नहीं हो पाया वो दौड़ने लगेगा। ये कोई अस्पताल नहीं, मरीजों का पुनर्वास केंद्र भी नहीं, ये है एक आश्रम जहां दिव्य शक्ति से हर बीमारी का होता है तसल्ली बख्श इलाज। ये है महादेव के शक्तिदूत बाबा आरत्राण का दरबार। सच कहें तो जब हम पहली बार इस दावे से टकराए तो ढोंग और पाखंड से ज्यादा नहीं लगा, लेकिन पड़ताल के लिए जब आश्रम पहुंचे तो वहां के नजारों ने दंग कर दिया। हमारी आंखों के सामने चमत्कार हो रहा था। बाबा के स्पर्श करते ही एक बच्ची के पेट की सूजन कम हो गई। पहले से कम है? हाँ यार, अब तो ज्यादा था ना, कम गया। अरे एक बुजुर्ग की झुकी कमर पल में सीधी हो गई और हाथ पर काम नहीं करता है। जयंती मंगल करे कपड़े कैसे से बढ़ जाए कम लगेगा। देख लो भल लगेगा, देखो ये इस साइड में सब जो पेन था पेन नहीं है, अच्छा लग रहा है। जिसके बाजू हिलते नहीं थे, बाबा के छूते ही उसके हाथ चरखी की तरह घूमने लगे। तुम्हारा क्या हो रहा है? हाथ दर्द हो रहा है। हाथ दर्द हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, वो फ्रोजन शोल्डर है। अब हाथ उठाओ, ऊपर देखो फिर से करके उठाओ। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
दूसरों के कंधों पर सवार शख्स अपने पैरों पर चल कर गया। तुम्हारे क्या लगेगा? वो मेरे बड़े भाई है। बड़े भाई है। कब से नहीं चले हो? दो साल से। चलो थोड़ा। ये सब कुछ अजीब था, अविश्वसनीय था। क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, समझ से परे था। ये तो महज चंद चेहरे थे। बाबा का दरबार ऐसे लोगों से भरा पड़ा था जो कभी रोगी बनकर आए थे, आज बाबा के भक्त बन चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि बाबा के पास कोई ऐसी शक्ति है, कोई जादू है, ऐसा आपको भी लगता है? हाँ, है। अरे तो सर पे अभी भी, सर पे, कंधे पे और नेक पे अभी भी पेन था, लेकिन बाबा के पास जाके अभी आने के बाद वो पेन चला गया, वो अभी नहीं है। आपको खुद सोच करके ऐसा नहीं लगता कि ये सही में ऐसा चमत्कार है? हाँ, मुझे तो लग रहा है, ये तो चमत्कार ही है। खुशी से मतलब मैं इतना अच्छा हो गया, मैं बिल्कुल रोने लगी। आज चुनौती बहुत बड़ी थी, सैकड़ों लोगों की आस्था से टकराना था, और सामने कोई देवता नहीं, एक जीता जागता इंसान था जो इन मरीजों के लिए भगवान से कम नहीं। कम से कम तो 50 लाख मरीज में से ठीक कर चुका हूँ। 50 लाख मरीज कर चुका हूँ। क्या बाबा के पास कोई सिद्धि है, या इसके पीछे वाकई कोई दिव्य शक्ति है, या ये सब कोई ऐसा खेल है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया?